शांति, आपका प्रश्न है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता कैसे बनते। ये तीन अवस्थाएं हैं संगम युग पर, जब परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर सारी पतित दुनिया को पावन बनाने का कार्य शुरू करते हैं, तो सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, जिन्होंने भक्ति बहुत ज्यादा की है परंतु आज तमो प्रधान पतित हो गए हैं, तो उन्हें एडॉप्ट कर उनकी भक्ति का फल उनको देने के लिए, पतित से पावन बनाने के लिए परमपिता परमात्मा प्रजा पिता ब्रह्मा के मुख से एडॉप्ट करते, जिन्हें ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहा जाता है। तब परमपिता परमात्मा सबको पावन बनने की युक्ति सिखाते। पावन का अर्थ है प्योर, शुद्ध, जिसमें जरा भी मिलावट ना हो। हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर है, जब हम आत्मा अपने आप को शरीर समझते हैं या मेरा शरीर कहते हैं, तो ये अपवित्रता है। मेरी को मैं कहना ये अपवित्रता है। ये सच बाबा ने समझाया कि आप एक आत्मा है ना कि शरीर। जब हम अपने आप को इस देह से न्यारा आत्मा समझना शुरू करते हैं, हम एकदम न्यारे और प्यारे होते जाते हैं। जैसे जैसे ये अनुभव बढ़ता जाता है, जीवन में पवित्रता न्यारापन आता जाता है। जैसे जैसे देह के प्रभाव से मुक्त, न्यारे और प्यारे बनते जाते हैं। प्यारे मीन्स जितना न्यारे होंगे उतना प्यारे होंगे। बिना न्यारे हुए कोई प्यारा बन नहीं सकता, कोई भी प्यारा बन नहीं सकता। ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझनी है। जब ये समझ में आ जाता है कि हम परमानेंट आत्मा हैं, तो हम इस देह से न्यारे और सारे संसार की आत्माओं के प्यारे हो जाते। तब कोई अपना पराया नहीं रहता। यह है फरिश्तापन की स्टेज, जहां सब अपने हैं और कोई अपना नहीं। किसी को भी यदि हमने मेरा कहा तो बाकी कौन है?
बाकी मेरे नहीं है तो मैं फरिश्ता नहीं। सब मेरे बाबा के बच्चे हैं, किसी भी आत्मा में फर्क नहीं दिखाई दे रहा, ये है फरिश्ता की स्टेज। उसे संसार का कोई व्यक्ति, कोई वस्तु अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। इसके साथ साथ नेचुरल दैवीय गुण भी धारण होते जाएंगे, और जब हम सातों गुणों और आठों शक्तियों को अपने जीवन में धारण करते हैं तब हम देवता कहलाते हैं। देवता जो दिव्य गुणों से संपन्न हो, जो दिव्य गुणों से संपन्न हैं, उनको कहा जाता है देवता। तो हमें ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है, उसकी ये विधि है। और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।